तेलंगाना के हैदराबाद में वेटरनरी डॉक्टर प्रियंका रेड्डी के साथ हुए रेप और हत्या के मामले को लेकर पूरा देश आक्रोशित है। सभी जगह इस मामले को लेकर गहमा गहमी का माहौल है। पूरे देश में इस मामले की कड़ी निंदा की जा रही है। आम आदमी हो या बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, सभी इस बात पर बौखलाए हुए हैं। वो दोषियों को मौत की सजा देने की बात कर रहे हैं। इसी कड़ी में बॉलीवुड एक्ट्रेस राखी सावंत ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें राखी सावंत हैदराबाद मामले पर मोदी जी से कुछ कहती हुई नजर आ रही हैं। राखी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो कह रही हैं कि मैं आप सभी से कह रही हूँ, आप सभी ध्यान दीजिए और मेरा ये मैसेज देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और तेलंगाना के सीएम के लिए है। आगे वीडियो में राखी कह रही हैं कि मोदी जी, आपने देश के लिए इतने बड़े बड़े काम किए हैं। आप महिलाओं को खाना बनाने के लिए गैस का चूल्हा देते हैं। आप कश्मीर जीत लाए तो अब देश की महिलाओं की सुरक्षा भी आपके हाथ में है। राखी ने कहा कि मैं तो कहती हूँ कि उन दरिंदों को एसिड में डुबोकर इतनी दर्दनाक मौत दो कि फिर कोई भी महिलाओं के साथ इस तरह की हरकत करने के बारे में सोचे भी नहीं। राखी ने ये वीडियो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में राखी का गुस्सा साफ तौर पर देखा जा रहा है और राखी अपनी आवाज मोदी जी तक पहुंचाने की बात कहती हुई नजर आ रही हैं और उनका कहना है कि मैं मोदी जी से कहती हूं कि उन दरिंदों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी मोदी जी की है। इज्जत खुद खुद बचाओ। यहाँ पे आपकी इज्जत को बचाने के लिए कोई नहीं आएगा, खुद आप अपनी इज्जत को बचाओ। मैं अपने देश हिंदुस्तान देश के कानून से कहना चाहती हूँ कि ये जो हैदराबाद में कांड हुआ है, एक रेप हुआ एक लड़की के साथ, उनके चारों लोगों को, जो चारों जो लोग हैं, जो ट्रक ड्राइवर, इनको फांसी दी जाए। और अगर फांसी नहीं दे सकते हैं तो इन कुत्तों को, इन हरामियों को, हराम के जनों को, इन लोगों को जो तालिबान में या फिर गल्फ कंट्री में जो सजा होती है, इनको नपुंसक बना दिया जाए। जहां से रेप किया है उन चीजों को काट दिया जाए। इनको पता चलना चाहिए कि एक लड़की के साथ रेप करना क्या होता है। इनको सरेआम काट डालना चाहिए वो सारी चीजों को। इनको कड़ी से कड़ी सजा हो, ताकि जिस हिंदुस्तान में जितने भी ट्रक ड्राइवर हराम की औलादे हैं इस दुनिया में, या जितने भी लोग जो रेपिस्ट हैं, उनको पता होना चाहिए कि हिंदुस्तान का कानून बहुत स्ट्रांग है। किसी भी लड़की के साथ, छोटी बच्ची हो या बुजुर्ग हो या महिला हो, उसके साथ रेप नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं मोदी जी को गुहार लगाती हूँ, हैदराबाद की पुलिस को गुहार लगाती हूँ, जितने भी हमारे लॉ है, कोर्ट है, कानून है, जज साहब है, इन सबको गुहार लगाती हूँ कि रेप के लिए कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। किसी भी लड़की का रेप इस हिंदुस्तान में नहीं होना चाहिए। अगर हुआ है तो उनके आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। जब तक कानून नहीं बदलेगा, एकदम स्ट्रांग लॉ रेप के लिए सजा नहीं होगी, तब तक ये रेप बंद नहीं होगे। जाग जाओ मोदी सरकार, जाग जाओ कानून लॉ, या जितने भी जज साहब है, वकील है, इस लड़की के लिए लड़ो। मैं अपनी आवाज उठा रही हूं आज इस लड़की के लिए। मैं न्याय मांगती हूं ये लड़की के लिए, जो हैदराबाद में एक लड़की 22 साल की लड़की के साथ रेप हुआ। मैं सबको कहना चाहती हूं कि सब लोग आवाज उठाए, कानून के दरवाजा हिला दे। क्योंकि अगर हमारी आज आवाज नहीं उठी, क्योंकि तुम्हारे घर में भी बहन बेटियां हैं, कब किसके साथ क्या हो नहीं पता। पुलिस हमारी मदद करे, पुलिस देश की लड़कियों की मदद करे, सरकार मदद करे, एडवोकेट, जज, सब लोग देश की लड़कियों की मदद करे। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।